फरीदाबाद में निगरानी समिति के सदस्यों के साथ सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मीटिंग की। मीटिंग में प्रथला से विधायक टेकचंद शर्मा, बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा और बड़खल से विधायक सीमा त्रिखा मौजूद रहे। प्राइवेट परमिट पॉलिसी के विरोध में रोडवेज कर्मचारी कल से प्रदेश भर में 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल करेंगे। हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा सरकार बार बार प्राइवेट परमिट पॉलिसी को लागू कर कर्मचारियों के साथ मजाक कर रही है। सार्वजनिक स्थल को मैखाना समझकर शराब पीने वालों पर सख्त हुए फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त हनीफ कुरैशी। पुलिस ने चलाया विशेष अभियान, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। पुलिस ने खुले में सरेआम शराब पीने वाले शराबियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए एक हफ्ते में 271 मुकदमे दर्ज कर करीब 285 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। सोनीपत के गांव सेवली में किसान के खेत में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है किसान देर रात खेत में आया था और उसके बाद सुबह उसकी लाश मिली। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट ने भारी मात्रा में 52 किलोग्राम गांजा पत्ती सहित एक आरोपी को काबू किया। आरोपी वैगनार कार में तस्करी करता था। सूचना मिलने पर पुलिस ने अपनी क्राइम टीम को रेड के लिए तैयार किया और MDI चौक पर नाकेबंदी कर गाड़ियों की चेकिंग शुरू की। इस दौरान तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। यमुनानगर में दादूपुर नलवी नहर में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई। जगाधरी के भटली गांव के रहने वाले ये बच्चे पास ही नहर में नहाने गए थे। बच्चे नहाते समय डूबने लगे, उन्हें डूबता देख वहीं खड़े एक लड़के ने शोर मचाया। आसपास के लोगों ने बच्चों को बाहर निकाला लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। गुरुग्राम का नामी अस्पताल मेदांता एक बार फिर सवालों के घेरे में है। अफगानिस्तान से आया एक परिवार अस्पताल में अपने बच्चे की डेड बॉडी पाने के लिए कई दिन से चक्कर लगा रहा है। अस्पताल प्रशासन 3.5 लाख रुपए नहीं चुकाने की वजह से शव परिवार को नहीं दे रहा, जिससे परिवार वाले परेशान हैं। सऊदी अरब में फंसे हरिचंद के घर मेवात में खुशी का माहौल है, क्योंकि हरिचंद सऊदी अरब से सही सलामत वापस अपने घर आ चुका है। हरिचंद के गांव पहुंचने पर उसका जोरदार स्वागत किया गया। दरअसल हरिचंद पिछले 4 सालों से सऊदी अरब में फंसा हुआ था। भिवानी की पॉश कॉलोनी कहे जाने वाला सेक्टर 13 में गंदगी के चलते लोगों का सड़क पर निकलना मुहाल हो गया है। जगह जगह गंदगी फैली हुई है।